अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। असम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का परिवार आज कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। शहीद आकाश के परिजनों ने सरकार और प्रशासन से उनकी एक प्रतिमा और एक सरकारी नौकरी शहीद के नाम सड़क बनाने की मांग की। परिजनों के हाथ में लिखे गए पोस्टर और आकाश का एक फोटो है। मेरठ निवासी लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी असम के कोकराझाड़ में ऑपरेशन की ट्रेनिंग के दौरान 16 जुलाई 2020 की रात पहाड़ी से गिरकर शहीद हो गए थे। आकाश के परिजन मेरठ में कंकड़खेड़ा के सिल्वर सिटी में रहते हैं। शहीद के पिता केपी सिंह ने बताया कि बेटे की शहादत के बाद से कोई भी उनका और उनके परिजनों का हालचाल पूछने नहीं आया है। जिस समय आकाश का शव मेरठ लाया गया, रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी वहां मौजूद थे। अब धरने पर बैठे पिता केपी सिंह, माता कमलेश और दोनों बहनों शिवानी व प्रियंका ने कहा कि उस दिन के बाद से आज तक उनकी किसी ने भी कोई सुध नहीं ली है। आकाश के चले जाने के बाद से उनका परिवार बिखर गया है। कंवरपाल सिंह, आज आप यहाँ पे बैठे हैं शहीद के परिवार से, क्यों बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हमारे बेटे की शहादत हुई है, उसके लिए हमसे आज तक किसी ने ना पूछा है, ना हमसे कोई कब हुई बात करने तक नहीं पहुँचा। कब हुई थी आपके बेटे की शहादत? 17 जुलाई को हुई थी। देखिए, मुझे तो अभी पता चला कि थोड़ी देर पहले ही कि क्या नाम आकाश चौधरी जी का जो परिवार है, जो शहीद हुए थे पिछले 34 दिन पहले, वो आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जो इकलौती बहन है आकाश जी की, वो उनके माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अगर शहीदों का अपमान वो इस तरह से कर रहे हैं तो किस तरह का उनका राष्ट्रवाद है, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह का उनका विचार है। हम चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार जो है, जो आज अपने बेटे की शहादत होने के बाद भी जिसको इस तरह से बैठना पड़ रहा है, हम लोग खुद अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया अब तक। हम पर जो बन पड़ेगा, हम लोग इस परिवार के साथ न्याय के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।